चेंज योर पासवर्ड, प्लीज विजिट मेंबर पोर्टल। जब भी हम लॉगिन करते हैं अपने पुराने यूजर नेम एंड पासवर्ड से, तो हमारे पास ये एरर मैसेज आता है। तो अभी ईपीएफओ ने क्या किया है कि जो जितने भी पुराने पासवर्ड से सबको रीसेट कर दिया है, एंड अब हमें इसका पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। तो इसके पासवर्ड को चेंज करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं ईपीएफओ की वेबसाइट पर, जहां कुछ ऐसा पोर्टल ओपन होता है। और ईपीएफओ की वेबसाइट के होम पेज पर जाने के बाद हम सर्विसेज के अंदर जाते हैं। सर्विसेज के अंदर आता है फॉर एम्प्लॉयज, तो इस लिंक पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ऐसा पेज ओपन होता है, जहां पर आप नीचे देखेंगे लेफ्ट साइड में, तो सर्विसेज का एक ब्लॉक है। सर्विसेज के ब्लॉक के अंदर मेंबर पासबुक, मेंबर यूएएन, सर्विसेज। तो हमें सेकंड पॉइंट पर जाना है, मेंबर यूएएन ऑनलाइन सर्विसेज पर, ठीक है। तो इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा पेज ओपन होता है। तो ये हमारा लॉगिन पेज आ गया है, और हमें अपना यूएएन नंबर, जो करंट पासवर्ड है वो पासवर्ड, उसके बाद कैप्चा इंटर करना होता है जो यहाँ पर दिखाया गया है, देन साइन इन करना होगा। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन है, लॉगिन इंफॉर्मेशन, ये फिल करने के बाद हमारे पास एक न्यू स्क्रीन आएगा, जहाँ पर हमें पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर हमें ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड एंड देन कंफर्म न्यू पासवर्ड डालना होता है। इसके बाद ये चेकबॉक्स को चेक करना होता है, एंड देन आप इसको गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे, तो एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, जो आधार से आपका लिंक होता है, एंड वो ओटीपी डालने के बाद आपका ये पासवर्ड चेंज हो जाता है। तो प्रोसेसिंग करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पासवर्ड हैज बीन चेंज सक्सेसफुली, काइंडली लॉग इन विद द न्यू पासवर्ड। सो हमारा पासवर्ड अब यहाँ पे चेंज हो चुका है, और हम क्लिक हियर टू लॉग इन पेज पर जाकर न्यू पासवर्ड से ईपीएफओ की वेबसाइट में लॉग इन कर सकते हैं। हमारे पास अब ये स्क्रीन आ गया है, जहाँ से हम लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारे पास ऐसा स्क्रीन आता है, जिससे कि ये वैलिडेट हो गया कि हमने पासवर्ड जो चेंज किया था, उसके बाद नए पासवर्ड से हम सक्सेसफुली लॉगिन कर पा रहे हैं। तो लॉगिन करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा स्क्रीन आता है। और यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि ईपीएफओ ने पासवर्ड सबका एक्सपायर इसलिए कर दिया, ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से किया है, कि जिसका जिसका आधार से फ़ोन नंबर मैप है, यूएएन नंबर मैप है, वही दोबारा पासवर्ड चेंज कर पाए। तो ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये सारी एक्टिविटी ईपीएफओ ऑफ इंडिया ने की।